देश की राजधानी दिल्ली में चोर और झपटमारों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब इसका शिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी भी हो गई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के वीवीआईपी इलाके सिविल लाइंस में स्कूटी पर सवार दो झपटमार उनका पर्स लूटकर भाग निकले। पीड़िता दमयंती पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी की बेटी है। इस संबंध में दमयंती ने थाने में केस दर्ज होते वक्त नहीं बताया था कि वो प्रधानमंत्री की भतीजी है, लेकिन जब पुलिस को मीडिया के जरिए पता चला तो पुलिस महकमे में हलचल मच गई और आरोपियों की तलाश में जुट गई। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी दमयंती बेन मोदी आज सुबह अमृतसर से दिल्ली लौटी। उनका कमरा सिविल लाइंस इलाके के गुजराती समाज भवन में बुक था, लिहाजा पुरानी दिल्ली से ऑटो से वो अपने परिवार के साथ गुजराती समाज भवन पहुंची। अभी गेट पर पहुंचकर वो ऑटो से उतर ही रही थी कि तभी स्कूटी सवार दो बदमाशों ने उनका पर्स छीन लिया। इससे पहले कि वो शोर मचाती, बदमाश मौके से फरार हो गए। दमयंती बेन के मुताबिक पर्स में करीब 56,000 रुपए, दो मोबाइल और तमाम अहम दस्तावेज थे, जबकि उन्हें आज शाम ही अहमदाबाद की फ्लाइट भी पकड़नी थी। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश की बात कर रही है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की घटना कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। न्यूज़ डेस्क।